हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के प्राइवेट और कंपार्टमेंट छात्रों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 10th और क्लास 12th के जो कंपार्टमेंट और जो प्राइवेट छात्र हैं उनकी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। तो सीबीएसई ने कहा था कि इनकी परीक्षा होगी और इसको लेकर जल्द ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों आज सीबीएसई ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट दी है क्लास 10th और क्लास 12th के जो प्राइवेट कैंडिडेट उनके लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको पता चलेगा कि सीबीएसई ने क्या कहा एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम कब होंगे और कैसे होंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, इसे स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये वीडियो अन्य सभी छात्रों तक पहुँच सके और वो इसे देख सकें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सीबीएसई की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें सीबीएसई ने क्या कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है कि सीबीएसई की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो प्रेस रिलीज है उसमें सीबीएसई ने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है, जो जो प्राइवेट छात्र हैं, कंपार्टमेंट छात्र हैं क्लास 10th और क्लास 12th के, उन सभी के जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जी हाँ, विदाउट एग्ज़ाम उनको अगली कक्षा में उत्तीर्ण यानी पास नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सीबीएसई ने ट्वीट किया, उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जो जैसे यहाँ पर आज तक ने क्या कि सीबीएसई ने क्या कहा है दोस्तों, कि सीबीएसई ने प्राइवेट परीक्षा के लिए डेट शीट जो है दोस्तों जारी कर दिया, यानी 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक। जी हाँ, 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जो है परीक्षाएं होंगी। और सीबीएसई ने बताया कि प्राइवेट परीक्षा के रिजल्ट जो है असेसमेंट के जरिए जारी किए जाएंगे, जो जो प्राइवेट परीक्षा रिजल्ट जो है असेसमेंट के जरिए जारी किए जाएंगे। 12वीं की जो रेगुलर परीक्षा के जो फाइनल रिजल्ट देने के लिए स्कूलों को 25 जुलाई तक का समय दिया गया है। तो ये जो ट्वीट है दोस्तों आज तक का, तो उसमें साफ साफ क्लियर है कि सीबीएसई क्लास 10th जो है क्लास 12th के जो प्राइवेट और कंपार्टमेंट छात्र हैं उनकी जो परीक्षा है दोस्तों वो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच करवाई जाएगी। यहाँ अब परीक्षा कैसे करवाई जाएगी है ना, किस माध्यम में होगी, सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, इसको लेकर दोस्तों सीबीएसई ने कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तो एक बार फिर दोस्तों सीबीएसई ने छात्रों को उलझन में डाल दिया है। सीबीएसई को दोस्तों करना यह चाहिए कि जो भी फैसला हो कट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों में दोस्तों भ्रम फैलता है और छात्र जो है असमंजस में रहते हैं। वो परीक्षा के लिए तैयारी करें, कैसे करें, किस आधार पर करें, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक छात्रों को नहीं मिल पाती है। तो आखिरी समय में क्या होता है दोस्तों, जब सीबीएसई बता देगी कि ऑब्जेक्टिव करना है, सब्जेक्टिव करना है, तो ऐसे में छात्र दोस्तों बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में होच पोच हो जाए, तो वो कुछ भी ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सीबीएसई को बहुत ही ज़्यादा गलत मानूंगा, क्योंकि सीबीएसई अगर एग्ज़ाम लेना चाहती है तो एग्ज़ाम ज़रूर ले, बट एक सही और सुसज्जित जो नोटिफिकेशन है जारी करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होंगे, सब्जेक्टिव आधार पर होंगे या ऑब्जेक्टिव आधार पर होंगे, तो ये कन्फर्म कर देना चाहिए सीबीएसई को, ताकि जो छात्र हैं प्राइवेट और कंपार्टमेंट और तैयारी करना शुरू कर दे। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये दोस्तों जो है सबसे बड़ी न्यूज है जो सीबीएसई ने कह दिया कि जो 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच जो है परीक्षा करवाई जाएगी, और परीक्षा करवाने के बाद जो रिजल्ट है वो तुरंत जारी कर दिए जाएंगे। बट इसमें सीबीएसई ने भी ये कुछ भी नहीं कहा है कि परीक्षा किस माध्यम में ली जाएगी, ऑब्जेक्टिव होगी या सब्जेक्टिव होगी। तो दोस्तों सीबीएसई को मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट है, कि यदि आप एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं प्राइवेट कैंडिडेट का, तो उनका एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया है वो जल्द से जल्द जारी कर दे, ताकि जो छात्र हैं परीक्षा में बैठ सके और एग्ज़ाम दे सके। क्योंकि एक महीने का समय है, अगस्त अगर आपने बोला है कि 16 अगस्त है, तो अभी दोस्तों जुलाई ख़त्म होने वाली है, आज 21 जुलाई हो चुकी है। तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द बता देना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिर्फ ये बता देने से ही कि एग्ज़ाम होंगे, इसमें कोई सही तरीका नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको भी और सीबीएसई को भी क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके एग्ज़ाम को सही प्रकार से कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों सीबीएसई ने ये भी कहा है कि इसके रेगुलर छात्रों के लिए, कि जो पहले तो क्या था दोस्तों कि 22 जुलाई तक क्लास 12th के जो रिजल्ट तैयार करने थे उन्हें 22 जुलाई तक का समय दिया गया था, और सीबीएसई ने इसे 22 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई तक कर दिया गया है। तो अब ऐसा संभव है कि हो सकता है जो रिज़ल्ट है, जो रेगुलर विद्यार्थियों जो रिज़ल्ट है वो 31 जुलाई को ना जारी हो पाए, ऐसी कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि सीबीएसई 31 जुलाई तक क्लास 12th के जो रिज़ल्ट जारी करने की पूरी योजना बना रही है। अभी सीबीएसई ने दोस्तों क्लास 10th को लेकर कोई भी योजना या कह सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो ये थी दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़, जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता था। और यहाँ पर मैं दोस्तों एक बार और बता देना चाहता हूँ कि जो सीबीएसई है, अगर
रेगुलर छात्रों एग्ज़ाम कैंसिल कर सकती है, तो इसी तरह वो प्राइवेट और कंपार्टमेंट विद्यार्थियों का भी एग्ज़ाम कैंसिल कर सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। CBSE का कहना है कि उसके पास इन छात्रों का कोई डेटा नहीं है, ना ही स्कूलों के पास कोई डेटा है जो प्राइवेट और कंपार्टमेंट छात्र हैं, इस वजह से वो इन छात्रों के बिना परीक्षा के पास नहीं कर सकती, ये CBSE का कहना है। बट दोस्तों जैसे रेगुलर विद्यार्थियों के लिए कोई तरीका अपनाया गया है, ठीक ऐसे ही प्राइवेट छात्रों के लिए भी तरीका अपनाया जा सकता है, क्योंकि वो छात्र 9th 10th 11th में तो किसी न किसी स्कूल में तो पढ़े होंगे, तो ऐसा तरीका उनके लिए भी अपनाया जा सकता था, क्योंकि दोस्तों छात्र तो छात्र है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो। तो इस तरह से CBSE को भेदभाव नहीं करना चाहिए था मेरे राय में। दोस्तों आपकी क्या राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो ज़रूर लाइक कर दें, और हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पर CBSE के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लासेस वो शुरू हो चुकी हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।